हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली हम गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर आज हमारे बच्चे का भी तबीयत ख़राब है और मैडम का भी तबीयत ख़राब है। देखिए, बच्चे का तबीयत पहले से ख़राब था, हम लोग गोरखपुर आए थे दिखाने। पहले भी बच्चा जो पैदा हुआ है उसके कुछ दिन बाद ICU में था, 5 से 6 दिन। उसके बाद छुट्टी मिला, एक हफ्ते का टाइम मिला, तो हम लोग लेके आए थे बच्चे को दिखाने के लिए। बच्चे को दिखा के लेके जा रहे थे, अचानक रास्ते में तबीयत ख़राब होने से फिर हमें गोरखपुर आना पड़ा। शाम के टाइम मैडम का भी तबीयत ख़राब हो गया, तो दोनों अभी एडमिट हैं KP कुशवाहा जी के यहाँ गोरखपुर में। और काफ़ी परेशान हुए, मगर ऊपर वाले के दुआ से अभी दोनों सही हैं। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को दोनों से मिलवाऊंगा। तो यही हॉस्पिटल है, देखिए KP कुशवाहा जी का। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि यही हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती हैं। तो चलिए हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी देर में चलेंगे और आप लोग को सारी चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक और अपना प्यार दुलार ज़रूर दें, बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दें कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो इसी गेट से हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको कभी भी आएंगे तो गेट पे गार्ड मिलेंगे, गार्ड गेट खोलते हैं बंद करते हैं। बाकी ये लोग देखिए नंबर लगाने के लिए बैठे हुए हैं। आज नंबर लगेगा तो 2 दिन बाद भी आ सकता है, 3 दिन बाद भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस हिसाब से मरीज देखते हैं उस हिसाब से नंबर भी लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरे फ्लोर पे हैं, तो ये सीढ़ी है जाने के लिए। यहाँ पे बैठ के आप लोग खाना खा सकते हैं, जो दो ब्रेंच लगा है यहाँ खाना खाने के लिए लगा है। और ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे देखिए गार्ड साहब बैठे हैं और साइड में यहाँ पे जूता चप्पल नीचे रख सकते हैं, जो भी आपके पास सामान है, झोला वगैरह बैग वगैरह, और यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से रखने के बाद आप लोगों को उस रूम में ले चलते हैं जहाँ पे बच्चा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग बैठ के आराम कर सकते हैं, वेटिंग रूम जैसे यह बना हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। सब आदमी बारी बारी से जाकर थोड़े थोड़े देर में जितने भी मरीज़ हैं सभी को चेक करते हैं। तो चलिए आप सभी को अपने बच्चे से मिला दूँ। तो बच्चा अभी बेड पर सो रहा है, तो देखिए यही बेटा है जो 6 साल शादी के 6 साल बाद पहला बेटा है हमारा। और जब से यह पैदा हुआ है जब से इसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो आप लोग दुआ और आशीर्वाद दे दीजिए हमारे बेटा को कि हमेशा के लिए सही हो जाए। तो देख लीजिए, बाबू ओए ए बेटा इधर देखो, इधर इधर देखो, ए बेटा इधर देखो, तुमको कितने लोग देख रहे हैं, देखो बेटा इधर देखो। तो दिखा रहा है भाई, तो हमारा सुई लग रहा है इसमें, हाथ टूट रहे, कैसे करके दिखा रहा है। वो ये हमारे मम्मी हैं जो अभी हम लोग 3-4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं गोरखपुर KP कुशवाहा जी के यहाँ। और थोड़ी देर पहले आप लोगों को हॉस्पिटल भी दिखाए हैं। तो दोस्तों दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जल्दी से बच्चा सही हो जाए। और मैडम भी सही हो गए हैं, आज या कल छुट्टी मिल जाएगा, फिर से हम लोग घर चले जाएंगे। तो अभी आप लोगों को बता दें कि बच्चा और मैडम दोनों सही हैं और देखिए दोनों खिला रहे हैं। मैडम है और बच्चे को खिला रही है, बच्चा भी स्वस्थ है, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और प्यार और दुलार आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग घर चलें जल्दी। चलें दोस्तों, बाय बाय।